हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आज का क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपके पास क्वेश्चन एक दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू पाई बाई फोर कॉमा अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन जी। इस क्वेश्चन में हमें जो है थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब यहाँ पर tan इनवर्स x by 2 और tan इनवर्स x by 3 है, तो हमारे पास जो है एक आइडेंटिटी लगती है। कौन सी आइडेंटिटी लगती है, उस आइडेंटिटी को पहले हम समझेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ x प्लस y, y में 1 माइनस का एक्स वाई। इस आइडेंटिटी का हम इसमें यूज करेंगे और इसे जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं, यहां पर हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप यहां पर देखिए कि यहां पर सबसे पहला काम हमारे पास है tan इनवर्स x बाई टू प्लस tan इनवर्स x बाई थ्री इज इक्वल टू पाई बाई फोर। यहां हम अप्लाई करेंगे हेयर tan इनवर्स ये x by 2 प्लस x by में 3 by में 1 माइनस का x by 2 इनटू x by में 3 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम थोड़ा सा यहां पर सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। तो हेयर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहां पर हम by LCM ले लेंगे 6, 3x प्लस 2x y में, यहां हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस x स्क्वायर y में, यहां भी 6 इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये 6 से हमारा 6 कट जाएगा और 10 को जब उधर ले जाएंगे तो हम देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 5x y में 6 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो 10 इनवर्स है ये हमारा दूसरे साइड में रिप्लेस होगा, हमारा दूसरे साइड में रिप्लेस होगा। तो हम यहां पर दिखा सकते हैं यार कि दिस वैल्यू इज दैट इज इक्वल टू 5x y में 6 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो यहां हमारे पास हो गया 5x इज इक्वल टू 6 माइनस x स्क्वायर, सबको इधर ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करने पर जो है वैल्यू क्या आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो है ये हमारा 6 आना चाहिए, माइनस करने पर 5। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x और माइनस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे x प्लस 6 और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो x प्लस 6 इन वन ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6 एंड x इक्वल टू 1। तो ये जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू हमारी जो है आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास या कंडीशन दी गई है कि कंडीशन क्या है कि अंडर रूट 6 जो है यहाँ पर हेयर द वैल्यू 6 ये जो है इससे छोटा होना चाहिए x एंड हेयर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होना चाहिए तो ये वैल्यू तो हमारी नहीं हो जाएगी, ये हम इसको छोड़ना पड़ेगा, रिजेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, और तो हमारे पास x इक्वल टू क्या होगा, 1। तो ये हम आंसर दे देंगे। हमें थोड़ा सा इस कंडीशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो आइडेंटिटी है हम आइडेंटिटी को अप्लाई तो कर दे रहे हैं, अप्लाई करने के बाद x की दो वैल्यू निकालते हैं और स्टूडेंट यहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो है जब ये कंडीशन दी गई है x की वैल्यू हमें चेक करना है कि अंडर रूट 6 से छोटी और 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये एक वैल्यू 0 से छोटी है इसको हम छोड़ देंगे, दूसरी वैल्यू हमारी होगी उसे हम आंसर के रूप में देंगे। सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।